तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टिव फंक्शंस का, और डायरेक्टिव फंक्शन यूज करते हुए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको डेटा कुलेशन बताया था, याद होगा कि कई सारे सीट का डेटा एक सीट में हम कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके बारे में। यस, डेटा कुलेशन का, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि अगर आपके पास कई सारे फाइल्स हो तो उसका डेटा कैसे कॉपी पेस्ट करोगे। उसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर एक फोल्डर में कई सारे शीट हो, कई सारे फाइल्स हो, उसकी लिस्ट कैसे पता चलेगी। तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्टिव फंक्शंस की, राइट। डायरेक्टिव फंक्शंस, इसको हम बोलते हैं DIR। ये फंक्शन का काम क्या है, पहले इस फंक्शन के काम को जानिए। P इक्वल टू DIR कर दिया, इसके अंदर में मैंने एक पाथ दे दिया, कोई भी एक फोल्डर पाथ। तो उस पर्टिकुलर फोल्डर पाथ में कोई फाइल है या नहीं है इसके बारे में वो बताएगा, समझिए। इसका काम क्या है कि कोई पर्टिकुलर फाइल, चाहे एक्सेल को हो या किसी और फाइल का हो, जैसे ये देख लीजिए, ये रहा। तो अगर मैंने डायरेक्टिव फंक्शन में ए डाला कि स्लैश पुणे, पुणे डॉट कौन सा फाइल है, इसका एक्सटेंशन है आपका फाइल का एक्सटेंशन, सॉरी पुणे का, हाँ डॉट एक्सएलएस एक्स। तो हमने पुणे डॉट एक्सएलएस एक्स कर दिया, और डॉट यहां पे ये बताना होगा कि कौन सा फाइल है, रीड ओनली में है क्या है, मतलब कि नहीं ये नॉर्मल फाइल है, और एमएसजी बॉक्स के अंदर में मैं पी को रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये प्ले होगा तो ये बताएगा कि हाँ पुणे डॉट एक्सएलएस अवेलेबल है, समझ गया। तो पहला काम इसका क्या है, पहला काम है कि जिस फाइल पाथ आपने दिया है उस फाइल पाथ का वेरीफाई करता है उसमें है या नहीं है। दूसरी चीज कि कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्सटेंशन पता नहीं, तो हमने यहां पे दे दिया स्टार डॉट स्टार, तो भी एक कंफर्म करेगा कि एक्सटेंशन यहां है, ठीक है। yes, मान लीजिए कि फर्स्ट नेम है, तो यहां पे हम स्टार स्टार लाइक कमांड की तरह वर्क कर सकते हैं, तो यहां पे हमने यहां पे दे दिया आपको बीबी नॉर्मल का, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कोई नाम पूरा है, अधूरा है, एक्सटेंशन पता नहीं है, तो उसके लिए आप यहां पे स्टार्ट कमांड देंगे तो फाइल को ढूंढ के उस पूरे पूरे फाइल के साथ कंफर्म कर देगा। इसका काम समझ में आ गया सर, क्या काम करता है डीआईआर फंक्शन। यस सर। देखिए अगर मैंने, अब मान लीजिए कि हमने दे दिया डॉट एक्सएलएस एक्स, ठीक है, डॉट के साथ। अब प्रॉब्लम है कि इसके कई सारे, मान लीजिए कि आपने एक पुणे ढूंढ दिया, तो हो सकते हैं पुणे डेटा, पुणे रिपोर्ट, पुणे समरी, मतलब कि जो आप ढूंढ रहे हैं वो कई सारे फाइल हो सकते हैं। उस केस में डायरेक्टिव फंक्शन क्या करेगा, तो उस केस में देखिए अगर एमएसजी बॉक्स के अंदर पी कर दे तो क्या होगा, तो यहां पे इसने दिल्ली डॉट एक्सएलएस कर दिया, हालांकि इसने 100 एक ही किया, लेकिन अगर मैं यहां पे करूं DIR, यहां पे P इक्वल टू DIR और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज,
ठीक है, यस ओपन सर। एंड क्लोज, और अगेन मैं मैसेज बॉक्स पी करूं तो क्या होगा? पहली बार, सॉरी माफ कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक थी, जी यार, पहली बार में डी आई आर जो है आपका जो दिल्ली था वो दिल्ली दिया इसने, ओके किया, फिर वापस डी आई आर चला और इसके बाद नोएडा दे दिया, समझ गए? तो इसमें क्या होता है कि अगर डी आई आर के पास एक से ज्यादा रिजल्ट मिलता है तो आप जो है पी इक्वल टू डी आई आर ओपन एंड क्लोज करें तो ये रीलोड करता है नेक्स्ट रिकॉर्ड को, ठीक है? और इसके बाद आपको तीसरा रिजल्ट चाहिए, तीसरे फाइल का भी चाहिए, तो आपको अगेन रीलोड करना पड़ेगा। यहां रीलोड करेगा दूसरा फाइल और दूसरे फाइल को शो करेगा, समझ गए? यस सर। तो अगर 100 फाइल है तो आपको वन बाय वन 100 बार इस तरह से करना पड़ेगा, तो आपको 100 फाइल का नाम दिख जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम इज दैट कि हाउ कैन नो कि इसके अंदर कितने फाइल्स हैं? मैं तो नहीं पता, एक भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो मुझे सारे फाइलों का नाम एक शीट पे प्रिंट करना है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में यहां पे हम अप्लाई करेंगे डू लूप। डू व्हाइल पीई नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि फोर लूप जो है आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग करता है, और डू लूप जो है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे करता है, समझे? यस सर। तो डू हमने डू वाइल लूप क्यों लगाया इसमें? क्योंकि यह तब तक सर्च करेगा जब तक उसको कोई ब्लैंक नहीं हाँ, मिल जब तक जाएगा। पी पे स्टोर वैल्यू स्टोर हो रही है तब तक, क्योंकि लास्ट में जब उसको डेटा नहीं मिलेगा तो डीआईआर क्या करेगा, मान लो तीन फाइल है, चौथी बार टू चलेगा तो पी क्या करेगा, उस पे ब्लैंक लगा, ब्लैंक स्टोर कर देगा, ठीक है? और जैसे ही ब्लैंक स्टोर होगा डू वाइल क्या करेगा, लूप को खत्म करके बाहर कर देगा। अब यहां पे डेटा कहां निकालना है, यहां पे रेंज पे, तो यहां पे रेंज A1 डॉट एंड, और यहां पे हमने कर दिया एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने दे दिया पी, और यहां पे पी इक्वल टू डी आई आर ओपन एंड क्लोज, और यहां पे हम एंड लूप कर देते हैं, लूप खत्म कर देते हैं, ठीक है? अब ये क्या करेगा, यस सर। लिख ही दिया, ओ माफ कीजिएगा, ये सर यहाँ पे क्यों लेवल दे दीजिए? यहां पे देखिए तीनों फाइल का नाम दे दिया। अब फाइल के साथ साथ आप फाइल के ये भी करना चाहते हो कि फाइल का ये क्या है, मतलब कि साइज क्या है फाइल का, मतलब कि किस डेट और टाइम को बनाया वगैरह वगैरह, तो उसके लिए फंक्शन है हमारे पास। ऑफसेट, और यहां पे मैं 0 कर देता हूं, यहां पे 1, और इक्वल टू हमने बोला फाइल का साइज, फाइल फाइल डेट एंड डेट टाइम, लाइक ओपन, और इसमें पाथ देना पड़ेगा आपको, जो पाथ है आपका, सॉरी तो क्योंकि
क्योंकि ये आपका डायरेक्टरी फंक्शन सिर्फ फाइल का नाम बताता है, पाथ नहीं बताता है, तो इसके साथ हम एन परसेंट करेंगे पी को, तो फाइल का डेट एंड टाइम बता देगा। उसी तरीके से यहां पे मैं मुझे फाइल की साइज चाहिए, तो मैं यहां पे टू कर दिया, और यहां पे मैं भी फाइल डेट एंड टाइम की जगह पे फाइल लेन आता है, एलियन लेन हो जाएगा। तो यहां पे एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं, देखिए फाइल का डेट एंड टाइम और फाइल का साइज इन द बाइट, ठीक है, बाइट के जगह पे केवी में करना है तो डिवाइड बाय 1024 कीजिए, तो ये आपका केवी आ जाएगा, 7 केवी का। आप अगर देखें यहाँ पे, हाँ देखिए दिल्ली 8-10 केवी, राउंड फिगर में 8 है लेकिन 7 ही केवी है, तो केवी में लिखना है तो केवी कर सकते हैं, एमबी में करना है तो उसी हिसाब से आप एमबी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो तीन फंक्शन समझ में आ गया कि फाइल की टाइम डेट एंड टाइम के से आप फाइल की डेट एंड टाइम ले सकते हो, फाइल की लेंथ से फाइल की साइज ले सकते हो। तो डायरेक्टरी फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी फाइल के नेम है उसका लिस्ट दिखाता है। क्या बोल रहे सर? सर उसमें एक और फाइल दिख रही है, उसका क्यों नहीं आया? हमने एक्सटेंशन क्या दिया था? डॉट एक्सएलएस एक्स। वो फाइल जो है डॉट एक्सएलएस एम की है, समझे? ओके सर, और पूरा लाना हो तो पूरा लाना होता है स्टार डॉट स्टार, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब स्टार डॉट स्टार क्यों? क्योंकि हर फाइल में डॉट तो होगा ही ना, कोई भी फाइल होगा डॉट तो होगा ही होगा पानी, इसलिए अब मुझे आप जो है इसको रेफरेंस में लेते हुए आपको जो है दो माइक्रो बनाने हैं। पहला माइक्रो कि एक फोल्डर में जितने भी फाइल है उसकी डेटा कॉपी पेस्ट कर दे एक सीट पे, एक फाइल के सीट पे, चाहे एक फाइल हो चाहे 100 फाइल हो, राइट। दूसरा आपको क्या अच्छा करना है कि मेरे फोल्डर में बहुत सारे फाइल होते हैं और मुझे उसमें से सबसे लेटेस्ट फाइल को निकालना है। लेटेस्ट फाइल की डेटा निकाल के कॉपी करना है, समझ गए? हो सर, जाएगा आपसे? हो जाएगा ना सर? ट्राई करेंगे सर, उसको उसके डेट वाइज निकाल करके उसको शॉर्टिंग कर देंगे। अब आपको जो करना है कीजिए, मैं तो रिजल्ट देखूंगा और प्रोसेस देखूंगा कैसे बनाया, फिर मैं अपना कमेंट दूंगा, अभी कमेंट नहीं दूंगा। ठीक है सर, ओके। तो DIR फंक्शन और डू एंड डू दोनों समझ में आ गया, यस सर। ठीक है, तो आप बैठ जाइए और बनाना शुरू कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल सेम टाइम इसी टाइम पे एक नए एग्जाम्पल के साथ।